बसीन साहब, आपका वेलकम करने का जो म्यूजिक है ना, बड़ा लाउड है, बड़ा जबरदस्त है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, शुक्रिया समय देने के लिए। बाजार सर आ गया ऊपर आज तो, और अच्छा ऊपर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ रिलायंस। आज निफ्टी ने तो मतलब आज जितने भी हम एक्सपर्ट से सुबह बात कर रहे थे, देख के लग रहा था कि शायद 16,200 को प्रोटेक्ट करने का ज़्यादा जोर लगेगा, लेकिन आज तो 16,400 एक झटके में पार हो गया। सर आगे की दिशा भी दिखाइए जरा। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। आप सुबह तो एनालिस्ट 16 14 हजार की बात कर रहे थे, तो मैं वेट कर रहा हूँ 14 हजार या 15 हजार, जो भी आपको नंबर है कब आएगा। नंबर देने में क्या जाता है सर, नंबर देने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हौसला बढ़ाने में बहुत कुछ जाता है। और आपको पहले 17 हजार आएगा, फिर देखेंगे 14 हजार या जो भी आपका नंबर है। तो एनालिस्ट भी है और टेक्निकल भी बसीन है। जी, वो मेरा नंबर नहीं है, बसीन जी वो मेरा नंबर नहीं है, वो क्रिस वुड साहब का नंबर है, वो जेफरीज वालों का नंबर है, वो कह रहे हैं 14,000 आ जाएगा। मैंने नहीं बोला, मैंने तो उनकी बात आप तक पहुंचाई, बस मेरा नहीं नहीं नंबर सर, नहीं है। मैं तो कहीं एनालिस्ट कहीं जाते हैं, वो तो उनको तो आपको सबको कदर देनी है, जो जिसका है, जिसका जो मनी मैनेज करता है। बट आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीबडीज नेम और एनीथिंग। ऑल आई एम सेइंग इज, इफ यू डोंट बाय द फियर देन यू वोंट गेट द अपॉर्चुनिटी। कल आपसे बेचा नहीं गया आरबीआई पॉलिसी के बाद, आज आपसे खरीदा नहीं गया, तो अब आप देखते रहेंगे, तो फिर आप वेट करते रहिए। जब 14 हजार आए तब आप देख लेना, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, क्योंकि 10 हजार के टारगेट आ जाएंगे। और अभी भी मैं कह रहा हूं 17,200 पहले आएगा, फिर देखेंगे। आपको अपडेट दे दूं, गेल आईएक्स 186 हो गया, बंधन 334, एचएएल 1875, और लाल पैथला बड़ी जोर से आपको कहा था 60 रुपए डिस्काउंट है, 2112 बिक गया। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए ना। हाँ, पहले सुप्रीम का बता दूं, मैंने आपको अंबुजा कहा था। अंबुजा आउट परफॉर्मर है एंड सो इज सेल। टाटा स्टील वीक है, आज का लो उसका आप स्टॉप लॉस रखिए 990 का, लेकिन टाटा स्टील 1075 जाएगा 2 या 4 या 5 दिन में मैक्सिमम। आज के पिक्स है सर, बाटा इंडिया लीजिए, बाटा इंडिया लीजिए 1740 में, स्टॉप लॉस ऑफ 1700, टारगेट ऑफ 1800 टू 1820। इसमें जो एक सेल ऑफ था बिकॉज ऑफ सम स्टेक सेल, दैट इज डन। बाटा इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, और आप देख ही रहे जो फॉर फुटवेयर देर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। सेकेंड बाय इज इंडसइंड बैंक। आई थिंक इंडसइंड बैंक फिट्स द बिल परफेक्टली, सीवी से सबसे बड़ा लेंडर है, और मेरे को लगता है उसका जो डिपॉजिट है, कासा रेशियो इट्स ओनली इंक्रीजिंग। 918 रुपए में लीजिए, 900 का स्टॉप लॉस, 940 से 42 का टारगेट। संजीव जी, आपके रेकमेंडेशंस तो हम नोट कर ही रहे हैं, लेकिन आईएक्स पर भी एक बार अपनी राय दीजिए, क्योंकि आज एक खबर आती हुई दिखी, कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की मंजूरी जो है वो दे दी है, और इसी के चलते जो रेगुलेशंस में, रेगुलेशन फ्रेमवर्क में जो एक चेंज आता हुआ दिखा, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया कई दिनों से, लेकिन आज एकाएक तेजी नजर आई। आपकी राय यहाँ पर क्या होगी? तो मानसी जी देखिए, मोनोपोली बिजनेस है, जितनी टर्नओवर होगी, और आप जानते हैं पावर में इतना ज्यादा जितनी भी एनर्जी का एक्सचेंज है, और ये तो कॉल ऑफ द फ्यूचर है। ऑल कमोडिटीज और स्पेसेस विल हैव एक्सचेंजेस विच विल मॉनिटर देम, सो दैट बायर्स एंड सेलर्स कैन ऑलवेज बाय एंड सेल। तो मुझे कोई दो राय नहीं, आईएक्स इज हेडेड टू 250 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये गर्मी कम होगी, आपको देखेंगे कि गवर्नमेंट भी ढील देगी, और अब जो अपसाइड कैप किया हुआ है, फ्री लेंडिंग, फ्री बाइंग सेलिंग होगी, तो इट विल डू वेल। जी, क्विकली प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर भी आपका नजरिया आप क्या रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कैम्स भी लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर है, बीएससी सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स में भी मूवमेंट काफी पॉजिटिव नजर आती है। हाँ, तो बिल्कुल, तो एनीथिंग रिलेटेड टू जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है या लोकल इन्वेस्टर है, चाहे वो डिपॉजिटरी हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एएमसी हो, आई थिंक वो ऑल अच्छे स्पेस में है। थोड़ी सी अटकली आई थी बिकॉज ऑफ द एक्सिस एंड द एबी कैपिटल इशू, बट वो भी आई थिंक विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल डाई डाउन। दीज आर रेयर अकरेंसेस विच विल कम। द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट इज द रिटेल इन्वेस्टर। ओके, ठीक है, बस इन सब, बहुत बहुत शुक्रिया।